वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, प्रोनाउन. स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू से दैट इन दिस चैप्टर यू आर हैविंग पजेसिव प्रोनाउंस ऑल्सो, बट वी विल डू आई, वी, ही, शी, दे, यू एंड इट टिल आई टू इट वी विल डू. ओके, द रिमेनिंग्स वी विल नॉट डू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर प्रोनाउन. स्टूडेंट्स, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं. जैसे कि फॉर अ बॉय वी आर यूजिंग ही, फॉर अ गर्ल वी आर यूजिंग शी. ओके, फॉर द प्लूरल नंबर्स वी आर यूजिंग दे, और अगर हम हमारे साथ में कोई और भी इंक्लूड है तो फॉर दैट वी विल यूज वी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हाउ वी विल डू दिस. Here is one conversation. Look at here, students. Reena, where is father? Papa कहाँ है? Hari, he has gone to the market. वो market चले गए हैं. यहाँ पे he किसके लिए use हुआ? For father. Father means he is singular noun and he is a male gender. That is why we will write here he. Okay? So he has gone to the market. तो फादर के लिए हमने दोबारा फादर नहीं लिख के क्या यूज किया? ही. ओके, देन ईशा. ईशा, व्हाट ईशा सेड? वेयर इज माय कलरिंग बॉक्स? आशा, देन आशा सेड इट इज ऑन द शेल्फ. ओके, वेयर इज माय कलरिंग बॉक्स? कलरिंग बॉक्स. स्टूडेंट्स, फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स एंड फॉर द एनिमल्स व्हाट वी आर यूजिंग? वी आर यूजिंग इट. ओके, तो यहाँ पे कलरिंग बॉक्स के लिए हमने क्या यूज किया? इट यूज किया. ओके, then paro, have you seen my crayons? क्या तुमने मेरे crayons देखे हैं? तो then what Karan said, they are in the drawer. वो drawer में है. अब students, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे they क्यों use हुआ? नॉन लिविंग थिंग्स में सिंगुलर नाउन के साथ में हम इट यूज़ करते हैं और प्लूरल नाउन के साथ में हम दे यूज़ करते हैं. अगर यहाँ पे सिर्फ क्रेयॉन होता तो हम इट यूज़ करते, बट इट इज़ क्रेयॉन्स, मीन्स मोर देन वन. दैट इज़ वाई वी विल राइट हियर दे. ओके, सो डू नॉट गेट बी कन्फ्यूज अबाउट दिस. ओके, देन नेक्स्ट इज़ विल यू प्ले विद मी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? जब हम दूसरों को सेकेंड पर्सन को यूज़ करते हैं, जो हमारी बात सुन रहा है, ओके, उसके लिए हम यू यूज़ करते हैं. ओके, विल यू प्ले विद मी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? देन जया सेड नॉट नाउ, अभी नहीं. आई विल प्ले विद यू लेटर, मैं तुम्हारे साथ में बाद में खेलूँगी, सॉरी. ओके, देन ऊषा, वेयर इज अश्मिता? अश्मिता कहाँ है? देन अली सैड शी इज़ वेरी सिक, वो बहुत बीमार है. ओके, अश्मिता, फॉर अश्मिता वॉट वी यूज, वॉट वी विल यूज, वी विल यूज शी. ओके, शी इज़ वेरी सिक, वी कैन विजिट हर इन द इवनिंग, हम उसको शाम को मिलने जाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वी किसके लिए यूज़ हुआ? यहाँ वी यूज़ हुआ उषा एंड अली के लिए. जब आई के साथ में, फर्स्ट पर्सन के साथ में हम किसी अदर सब्जेक्ट को भी इंक्लूड करते हैं तो वहाँ वी यूज़ होता है. ओके, अंडरस्टूड दिस? ही वी यूज़ विद द सिंगुलर मेल जेंडर, शी वी यूज़ विद द सिंगुलर फीमेल जेंडर, इट वी यूज़ विद द एनिमल और नॉन लिविंग थिंग, बट सिंगुलर. ओके, दे वी यूज़ विद द अदर पर्सन्स, दोज आर प्लूरल इन नंबर. ओके, एंड नेक्स्ट इज यू वी यूज़ फॉर द सेकेंड पर्सन, जो हमारी बात सुन रहा है, जिसके बारे जिससे हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हम यू यूज़ करते हैं. ओके, देन आई वी यूज़ फॉर अस, हम अपने लिए, सिंगुलर नाउन, मैं अपनी बात कर रहे हैं तो हम आई यूज़ करेंगे. वी, वी का यूज़ हम करते हैं जब हमारे साथ में हम किसी और को भी इंक्लूड करके बात करें. जैसे आई एंड प्रिया आर गुड फ्रेंड्स, वी आर गोइंग, वी आर ऑलवेज शेयरिंग अवर थिंग्स. ओके, मैं और प्रिया अच्छे फ्रेंड हैं, हम हमेशा अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, लाइक दिस. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. यू कैन रीड हेयर ऑल्सो. ओके, ही, शी एंड वी वी यूज़ फॉर द पीपल, इट वी यूज़ फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स. आई, यू, ही, शी एंड इट वी यूज़ फॉर वन पर्सन. वी यूज़ फॉर मोर देन वन पर्सन, इंक्लूडिंग अस ऑल्सो. दे वी यूज़ फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल और थिंग. ओके,
then tick the correct options. Tick the correct option or pronouns to complete these sentences. Okay, number one is already done for you. Come to the second one. Don't drink water from the well. He, she, it is dirty. Well, kuwe se pani mat piyo. Ab kuwa means well. It is non-living thing and singular noun. What we will write? We will write here it. It is dirty. Ye ganda hai. Okay. Then next is. Jaya and I like to draw. Jaya and मुझे draw करना पसंद है. We, they, she use crayons. हम crayons use करते हैं. क्या आएगा इसमें? I है, I के साथ में जया है. जब हमारे साथ में हम किसी other person को, other subject को, other noun को include करते हैं, that time what we will write? We will write we. So we is the correct option. Okay? We use crayons. Then next is, this is a lovely photograph. He, she, it was taken last year. Photograph की बात कर रहे हैं. ये photograph बहुत ही lovely है. Photograph की हम बात कर रहे हैं. Photograph is non-living thing and singular noun. So what we will write here? It. It was taken last year. इसको हमने last year click किया था या लिया था. Okay. The next number 5 is will. I, you, we come to park to play with me. अब वो पूछ रहा है सामने वाले से, क्या तुम शाम को मेरे साथ पार्क में खेलने आओगे? So I, you, we, what will come? I नहीं आ सकता क्योंकि हम खुद बात कर रहे हैं. We will not come because it is not plural noun. So what will come? You. Will you come to the park to play with me? क्या तुम पार्क में आओगे मेरे साथ खेलने के लिए? Okay. Then number 6, Sunil and I are neighbors. Sunil और मैं neighbors हैं. We often play together. हम अक्सर साथ खेलते हैं. We because I के साथ में other subject भी है. Okay. Then next number 7, my cat is happy. मेरी बिल्ली जो है बहुत happy है. They, it, you is playing with the ball. Cat. Animal is there, singular noun, so what will come? It will come, okay? It is playing with the ball, okay? The next number 8 is Linda and I went to the library. Again, Linda and I ke saath mein again, other noun is there, so what we will write? We saw many books. Humne bahut saari books dekhi hain, okay? So this is your chapter, students, okay? And this is your exercise. In this exercise, what you have to do, you have to complete the sentence. How you will complete this? Let's see here. Here is a letter. Aapko he, she, it, they, we, you. Inme se kuch ek use karna hai. Okay, so let's start with this. Dear Grandma, how are you? We went to the school trip to Darjeeling last week. Hum log Darjeeling aaye the last week school trip pe. Jatin, Meera and Amarjot were also there. They are my friends. They will come because, why they will come? Because humne yahan pe baat ki hai other plurals ki. Okay, isme hum I include nahi hai. Yahan pe humne dusron ki baat ki hai and they are plural in number. That is why they will come. They are my friends. We went by train. Hum log, ab yahan we kyun aaya? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? जो लेटर लिख रहा है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में ट्रेन से गया था. सो दैट इज़ वाई वी विल कम. वी वेंट बाय ट्रेन. ओके. द ट्रेन रीच न्यू जलपाईगुड़ी द नेक्स्ट मॉर्निंग. डैश गॉट ऑन टू अ बस एट द स्टेशन. वी गॉट ऑन टू अ बस एट द स्टेशन. Okay. We. Then Dash played games on the bus. We played games on the bus. We also add some tasty snacks. After reaching Darjeeling, we went on the toy train. And saw the beautiful Kanchenjunga mountains. We took many photographs there.
Did Dash go anywhere last week? Did you go anywhere last week? It is, she is asking to her grandmother. I wish I could come. Okay, did you go anywhere last week? I wish could come here soon. I wish I could come here soon. Your lovingly, Usha. Okay, so this is your exercise. In this exercise, you should complete the book activities and learn the chapter I, we, he, she, they, you, it. Okay, me, us, him, her, them, we will not do. Okay, students, thank you.